रहे हैं अभी। प्रीति का लहंगा इतना बड़ा है कि उसको बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे पूरा चारों ओर फैला हुआ है। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ यार। और रात के लोग बहुत जल्दी सुबह उठ के बन रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में बाद में जाने वाला है स्कूल। मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं। ये देखो दोस्तों, आप यहाँ पे ये देखो तो आप प्रीति राणा दीदी जी को, और यहाँ पर आराम से भी यहाँ पर रुपये रुपये उड़ा रहे हैं। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, सारे यूट्यूबर पहुंच रहे हैं प्रीति राणा दीदी की शादी में। तो फिलहाल यार मेरे को लेट हो गई स्कूल के लिए, अब मैं तैयार भी नहीं हुआ हूँ। ऊपर से मैंने बस टी शर्ट डाल ली है, फटाफट तैयार होते हैं और तब तक आप आराम से ब्लॉग का एंजॉय करो। दोस्तों तुम्हारा भाई हो चुका है अभी स्कूल के लिए तैयार, तो फिलहाल मिलते हैं आपके साथ स्कूल के बाद। और आपने ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, अब मिलते हैं सीधे आपके साथ स्कूल के बाद। तब तक के लिए आराम से आप इंजॉय करो वीडियो का। आपका स्वागत है, आप भी हमारे सॉन्ग प्यार में आइए, मेरे दोस्त की शादी में शामिल होइए। एक तरफ से दीदी होने का फर्ज और दूसरी तरफ से जेठानी होने का है। अभी यूट्यूबर्स दोस्त पहुंच चुके हैं, इसी पल का सभी को इंतजार था। और पायल के पास हैं दूल्हे के जूते। मैं दोनों साइड से हूं भाई। बिल्कुल अभी प्रीति का लहंगा इतना बड़ा है कि उसको बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे पूरा चारों ओर फैला हुआ है। तो फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ मैं अभी जस्ट स्कूल से, और कपड़े कुड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। और मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग ही देख रहा था बहुत सारे यूट्यूबरों का, ये देख रहा था अब यहाँ पे। अरे क्या खुल रहा है यार, पहाड़ी वाइकर भैया का ब्लॉग अभी देखा नहीं, अभी देखने वाले हैं पहाड़ी शादी और रीति रिवाज। ये देख सकते हो आप यहाँ पे सौरभ जोशी, यम केसर भैया और बहुत सारे ब्लॉगर के ब्लॉग देखने भी बाकी हैं। और ये देख सकते हैं आप 6 घंटे में 154 के अमित तेगी ब्लॉगर भैया के, और 16 घंटे में 262 के भैया के व्यूज़। और पहाड़ी भाई पिलोचाई भैया का ब्लॉग भी हमने आधा देख लिया था यहाँ तक, अभी पूरा देखना है 6 घंटे में 36 के। तो फिलहाल दोस्तों आपने भी सुबह से बहुत सारे ब्लॉग देख ही लिए होंगे, तो अब थोड़ा सा ना खाना खुना खाते हैं, तब तक आप फिर से ब्लॉग देखते रहो। तो लग रहा है उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट मूर्ति यही होगी। बगल में मंदिर है और यहाँ पे इतना सारा कबाड़ा कर रखा है, मतलब यार क्या ही बोले। मूर्ति देख सकते हो कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है, यहाँ पे शिव भगवान है। पुराने जमाने की घंटियां ना, इनमें कुछ ना कुछ दर्शाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो कितनी सारी मूर्ति वगैरह बन रखी है, शिव भगवान है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है मरीच, मतलब ये ऋषि मुनि होंगे ना, इनका नाम मरीच था होगा। दोस्तों आ चुके हम शिव भगवान की मूर्ति के पास में, और आप देख सकते हो कितनी ऊंची शिव भगवान की मूर्ति है। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते, मेरा नाम है राजनेगी, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो भी करीबन सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है, और आपको ये बहुत दिनों बाद ब्लॉग देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आज हमारी तैयारी है यहाँ से गाँव की ओर। तो फिलहाल दोस्तों भी थोड़ा मुँह हाथ धुलते हैं, फिर आराम से चलेंगे आज गाँव की ओर।
दोस्तों फिलहाल पहले जा रहे थे हम सेम मुकेम के मेले में, पर अभी सेम मुकेम का मेले में जाना कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ पे भाई के दोस्त की शादी है ना 27 नवंबर, मतलब 26 को मेहंदी है और 26 कल ही है। तो पहले हम जा रहे थे सेम मुकेम, अचानक से हमने कार देखा है और जो जिसकी शादी हो भाई का क्लासमेट है और दोस्त भी है, जिगरी दोस्त है मतलब। तो फिलहाल हमारा प्लान वहाँ के लिए कैंसिल हो चुका है और अभी जा रहे हैं हम मार्केट, फिर वहाँ फिर मतलब भाई ने, अगर मैं जाता था सेम रुके फिर भाई ने मेरे को वहाँ छोड़ना था फिर से यहाँ, फिर मैंने सोचा कि अगली बार जा लेंगे, अभी हमारी तैयारी थोड़ा कहीं और जाने की। फिलहाल अभी मार्केट चलते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं। दोस्त फिलहाल निकल चुके हैं अभी मार्केट ही, और वहाँ पे अभी तेल भराना है, फिर चलेंगे आराम से कहीं घूमने। तो यहाँ पे स्कूटी कैसी हालत हो रही है यार, पूरी धूली धूल से हो रही है स्कूटी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ी वगैरह लगी हुई है, फिर यहाँ पे धूल भी है और कबर चला नहीं रखा था, बहुत गंदी हो रही है यार गाड़ी। चल रहा है काम, पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा है, यहाँ पे रोड खोदी जा रही है और यहाँ पे मतलब ऐसे छोटा मोटा जाम लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे अभी तेल तो भरा लिया है और अब करते हैं स्कूटी को स्टार्ट। फिलहाल तेल तो भर लिया है, अब निकल पड़ते हैं आराम से घूमने की, और अभी कहाँ चलते हैं थोड़ा डिसाइड करते हैं, फिर चलते हैं आराम से घूमने। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि पायलट बाबा आश्रम जा रहे हैं मनेरी में। तो फिलहाल क्योंकि न्यू टॉप पे हम जा रहे हैं, दयाड़ा भुगियाल वगैरह सारी जगह जा रहे हैं हम, और जितने मतलब इधर साइड घूमने की जगह है कुछ कुछ जगह हम जा रहे हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि पायलट बाबा आश्रम जाया जाए, फिलहाल चलते हैं अभी पायलट बाबा आश्रम की ओर। तो भी आए हम यहाँ पे हवा डलाने, और भैया पूछ रहे हैं हमसे कि हवा कितनी डालनी है, 40, हमको तो पता ही नहीं यार कि हवा 40 भी डालती है, वैसे तो भाई लोगों को होगा पता। तो फिलहाल इसके बाद जाने वाले हैं पायलट बाबा आश्रम। फिलहाल यार मौसम का भी चेंज हो सकता है, देख सकते हो अब कैसा हो रहा है मौसम, धीरे धीरे बादल आने लगे हैं, सुबह से तो एकदम कड़क वाली धूप लग रखी थी, अब तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है यार। फिलहाल यहाँ पे भी हवा भर रहे हैं, फिर चलते हैं आराम से मनेरी। दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी मनेरी में, और यहाँ पे देख सकते हो आप वाटरफॉल यार कितना तगड़ा लग रहा है अलग ही, और नीचे पे तो साइड में रेनबो भी आ रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे इंद्रधनुष बोलते हैं जिसे कि हम पहाड़ी भाषा में, और आप सोच रहे कि नेचुरल वाटरफॉल है, पर इसे शायद मतलब बनाया गया अंदर पानी रोक रखा होगा ना, उससे ये पानी छोड़ रहे हैं और तब ये वाटरफॉल बन रहा है, पर नेचुरल वाटरफॉल तो है नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर टर्बाइन्स वगैरह लग रखी है, ऊपर डैम है ना, तो उससे ये पानी छोड़ा जा रहा है, और कितना मस्त लग रहा है, जरूर नेचुरल नहीं है पर फिर भी कितना मस्त लग रहा है, और काफी लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। यहाँ पे मिल चुके मुझे कुछ भैया राइडर लोग, मतलब जो कि ट्रेवल कर रहे हैं अभी शायद, तो यहाँ से गंगोत्री जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे इनका चैनल लेट्स गो 360D है, यूट्यूब चैनल भी है और दो बाइकें हैं। तो फिलहाल अभी यहीं पर हम भैया लोगों के साथ फोटो वगैरह खिंचा रहे थे, अभी फिलहाल थोड़ी देर में चलते हैं ऊपर पायलट बाबा आश्रम की। चलिए दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी पायलट बाबा आश्रम में, और थोड़ा जा रहे हैं मेरे पास में, वहां से दिखते हैं शिव भगवान की मूर्ति है ना नीचे एक बहुत बड़ी बनी हुई, तो वो मूर्ति दिखती है वहां से। फिलहाल वहीं पे जा रहे हैं मैं भी फोटो खिंचाने, चलते हैं फिलहाल अभी। चलिए दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी शिव भगवान की मूर्ति के पास में, और देख तो अभी कितनी ऊंची मूर्ति है, मेरे को तो लग रहा है उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट मूर्ति यही होगी, और कितनी बड़ी यार, मतलब जिस आर्टिस्ट ने ये मूर्ति बनाई होगी यार, उसे कितने महीने लगे होंगे यहाँ पे, कितने महीने लगे होंगे उसे इस मूर्ति को बनाने में यार, सोचने की बात है। देख लो अब कितनी हाईएस्ट मूर्ति है सीधे, और कितनी बड़ी है, फिर उस हिसाब से उसने टेक्सचर। बगल में मंदिर है और यहाँ पे इतना सारा कबाड़ा कर रखा है, मतलब यार क्या ही बोले। मूर्ति देख सकते हो कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है, यहाँ पे शिव भगवान है और यहाँ पे माता है काली माता, और यहाँ पे हनुमान जी हैं, और यहाँ पे पता नहीं नाम मुझे पता नहीं है, याद नहीं है मतलब। फिलहाल यहाँ पे हमारे इंटोर का है, फिलहाल चलते पहले मंदिर में दर्शन करने, फिर यहाँ पे फोटो वगैरह तब खींचेंगे। दोस्तों आ चुके हैं पायलट बाबा मंदिर के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे चूहा, छोटा चूहा, और यहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह बन रखी है, और यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कौन है कमेंट करके जरूर बताना इनका नाम।
फिलहाल चलते हैं अभी। अरे और यहाँ पे लेकर का श्री सोमनाथ मंदिर, मतलब इस मंदिर को श्री सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी मूर्ति वगैरह बनाई गई है यार, देख सकते हो अंदर। जय हो भगवान, जय जय हो भगवान। और यहाँ पे जल चलाते हैं शायद। तो फिलहाल अभी घूमते हैं यहाँ पे और आपको भी घुमाते हैं। और जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी। यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्ति वगैरह है और फोटो वगैरह सब कुछ हमने खिंचा लिया है। अभी हम ढूंढ रहे हैं यार नीचे, अगर नीचे मूर्ति जाने की, जहाँ पे मूर्ति बन रखी है शिव भगवान की, अगर वहाँ जाने का रास्ता होगा तो ढूंढेंगे, नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ से हो गया रास्ता, क्योंकि पहले पहले बाहर आ रहे हैं हम यहाँ पे, तो इतना तो पता है नहीं। और यहाँ पे आप घंटी देख सकते हैं किस तरीके से बनाई गई है, पूरी खतरनाक तरीके से पुराने ज़माने की लग रही है मेरे को, क्योंकि जब नए ज़माने की आ रही है वो ऐसे नहीं है, वो सिर्फ ऐसे वाले में है। और ये है पुराने ज़माने की घंटी। पुराने ज़माने की घंटी है ना, इनमें कुछ ना कुछ दर्शाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनमें अलग अलग डायग्राम बन रखे हैं, देख सकते हो कितनी सारी मूर्ति वगैरह बन रखी है। शिव भगवान है, अलग अलग देवता हैं। और यहाँ पे मेमोरीज के तौर पे फोटो वगैरह रख रखी है। ये देख सकते हो अंडर वाटर समाधि, भाई बाबा जी कमिंग फ्रॉम समाधि, ये देख सकते हो इस पर लिख रखा है पूरी फोटो वगैरह पे। और आप भी आ सकते हो यहाँ पे घूमने, यही उत्तरकाशी के पास में है मनेरा पे। फिलहाल चलते हैं नीचे। और भाई वहाँ पे देख सकते हो यार फोटो खिंचा रहा है, देख सकते हो आप मेरे पीछे, देख सकते हो कितने सारे ऋषि मुनियों की फोटो बना रखी है, मतलब एकदम गजब गजब की फोटो है। और जितने भी आपको फोटो में दिख रहे हैं सारे ही ऋषि मुनि है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है मरीच, मतलब ये ऋषि मुनि होंगे ना इनका नाम मरीच था होगा। और ऐसे ही सभी का नाम लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे काम ही चल रहा है, देख सकते हो मूर्ति वगैरह पे कलर तो कर दिया है, पर जितने ये ऊपर छत वगैरह है इनमें भी काम ही चल रहा है। दोस्तों आ चुके हम शिव भगवान की मूर्ति के पास में। और आप देख सकते हो कितनी ऊंची शिव भगवान की मूर्ति है। और यहाँ पे शिवलिंग बनाई गई है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे पांच नाग हैं और दो शिवलिंग, और गोल में अभी बहुत सारी शिवलिंग बनाई गई है। आगे भी रास्ता है, पर आगे भी मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ मूर्ति को। मतलब यार जो बनाने वाला आर्टिस्ट था होगा ना, बहुत खतरनाक था होगा यार, एकदम गजब वाली मूर्ति बनाई है, गजब गजब। दोस्तों फिलहाल पूरे अंदर से आ चुके हैं, पूरे मंदिर से आ चुके हैं घूम के, और सारी मूर्ति वगैरह देख ली है। फिलहाल चलते हैं ऊपर पे, कुछ खाते हैं फिर चलेंगे आराम से घर, क्योंकि अभी हमें आगे भी रुक सकते हैं जहाँ पे झरने हैं, वहाँ पे थोड़ा दो तीन रील रूल बना लेंगे फिर चलेंगे आराम से घर की ओर।